शाकाहारी भोजनालय मेन रोड गुरुर जिला बालोद और श्री गणपति वस्त्रालय मेन्स एंड लेडीज कलेक्शन मेन रोड गुरुर जिला बालोद। संगारी मैं हूँ चंद्र प्रकाश सिन्हा, आप मन देखत हो अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में अपन न्यूज चैनल न्यूज 36। आज हमार खास प्रोग्राम पंचायत के गोठ में आज हमन पहुंचे हन ग्राम पंचायत पेंडावाणी विकासखंड जिला बालोद। पंचायत पेंडरवानी के सरपंच गोवर्धन मेश्राम आज हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे ऊपर ले गोट बात करबो। मेश्राम जी आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पंचायत के गोट। धन्यवाद, आपके भी बहुत स्वागत है पद पेंडरवानी में। जी जैन उद्देश्य ले लेके गाँव वाला मन आपला सरपंच बना है, ओकर उद्देश्य में आप मन के परसेंट खड़े उतरे हो, कौन कौन से कार्य आपके ग्राम पंचायत में कराए हो? पंचायत 5 साल के लिए चुने जाते हैं, मैं जो है बीच में अभी आया हूँ, बोला लगभग 2 साल हो थे। ये जब ये आचार संहिता तो मुलाल कंप्लीट होता ही। ये आपकी कौन मन जो है सरपंच? मोर पहली राम कुमार महार जी रही से जी। वो कर दिशा निर्देशन में 3 साल चली से पंचायत था, उसके बाद मैं बैठे हूँ 4 अप्रैल 2017-18 में जी। तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य आपके माध्यम से हुए ग्राम पंचायत पेंडरवानी में? ये जब से मैं बैठे हूँ ओकर बाद मनरेगा कार्य जो है जी वो गति प्रदान करी से। ओकर पहली मनरेगा कार्य 0% रही से जी। वो मनरेगा कार्य में तालाब गहरीकरण, नया तालाब निर्माण, नर्सरी के पास में जो है जी वो नया तालाब निर्माण है, पास में एक पुराना जो तालाब है वो गहरीकरण हुई से। अभी ये 17 में ये पुल के दोनों साइड जो है वो गहरीकरण कार्य हो है, और वो में एक तटबांध करके जो आउटलेट वो आउटलेट भी हो, पुल में जो है वहाँ पचरी भी निर्माण होना है जी। ये स्वच्छ भारत मिशन में आपके यहाँ कितना शौचालय की निर्माण हुए है? पहली कितना हो रही से और आपके कार्यकाल में भी कितना शौचालय की निर्माण हुए है SBM और मरेंगा के तहत में? ये पहले जो लिस्ट रही से वो में से कुछ भी से जेकर निर्माण कार्य जो है मोर कार्यकाल में हुई से, और एक बार में जो है और नया स्वीकृति पर 238 जन के नाम वो में एड हो है जुड़े हैं जी। जे है लगभग 172-175 के कंप्लीट भी हो गए हैं, बाकी जो बचे हैं वो निर्माण कार्य जो है वो अभी चला थे। ये अपन बातचीत करबो सरकार के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके यहाँ कितना हितग्राही लाभ मिला थे? ये भैया पहले जो रही से 13 जन के लिस्टेड रही से जी जी, वो 13 जन में 13 कंप्लीट नहीं हुआ रही से, मुराद बाद में 4-5 जन की कंप्लीट हुई से जी जी। वो कर बाद में 2 बार अपन ग्राम सभा अनुमोदन में लिस्ट भेज रहे हैं, जिनमें से 61 के लिस्ट जो है वो पात्र सूची में अभी हवे जी जी। वो में से 30 जो है वो लिस्ट में से 30 जन के यहाँ निर्माणाधीन है, 7 के कंप्लीट है और 23 के अभी प्रगतिशील कार्य में चला थे।
वो दो तीन गली जो है जी जी। वो सीसी के लिए छूट गिरी से जी जी। वो सीसीकरण के कार्य जो है वो पंचायत स्तर में हुई से जी जी। और गांव में अभी शमशान घाट प्रतीक्षालय निर्माण वो कार्य हो है जी जी। अभी SHG सेट जिला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कथन जी जी। वो घर के निर्माण हो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जी जी। और गांव में मनरेगा के तहत सोकपीट निर्माण जो है वो 120 से 130 के लगभग कंप्लीट हुआ है। और पूर्व में इसे जानकार लो पहले से बना भी डर से जी जी। फिर भी जेकर यहाँ जरूरत रही से ओकर हिसाब से 120 से 130 के यहाँ सोकपीट निर्माण हुआ है। विकास के अपन बातचीत कर वो सड़क पानी बिजली और स्वास्थ्य, तो यहाँ भी स्वास्थ्य का स्थिति आवे हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, जहाँ एक NM और एक ओकर सहायक है। मतलब यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा आवे उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा। शिक्षक के बातचीत कर वो शिक्षक का भी है पोजीशन या स्थिति का है। शिक्षा हमारे यहाँ हाई स्कूल तक है भैया जी, एक मिडिल है जी और दो प्राथमिक है जी। तो हाई स्कूल तक के हमारे यहाँ अभी स्कूल हवे जिनमें पढ़ाई कार्य चलत है। सड़क की क्या स्थिति है गांव गली में जो है सीसी रोड के? दो तीन गली अभी बचे है जिला हमन अभी आए के बाद में दो तीन गली करवाहन ओकर बाद भी दो तीन गली ऐसे है जिला करवाना निहायत जरूरी है जी जी। जेकर से कार्य जो अधिक होते बिजली के अपन बातचीत करबो बिजली की क्या सुविधा है गाँव में जो गली मन में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था लाइट की व्यवस्था? अभी तक तो फिलहाल दुरुस्तीकरण में है सब ठीक है जी जी। लेकिन सोलर सिस्टम पर अपन अभी ये करे हैं GPDP में लंबा GPDP में मांग रखे हैं सोलर सिस्टम पर जी जी। और फिलहाल अभी ठीक ठाक है लाइट की जो व्यवस्था है तेरा वैसे पानी की व्यवस्था भी अपन यहाँ जो है लगभग जो है और कुछ कुछ अभी शासन के मिनिमल नल जल योजना अंतर्गत मंगाए रही से शासन मांगे रही से तो वो में लगभग 75 कुछ के नाम अभी फॉर्मेट गए हैं और वो आगामी बार अभी उसमें काम चलना है। सरकार की सोच है कि जो ओकर योजना है ग्राम पंचायत की अंतिम छोर के व्यक्ति तक मिलना हो चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हो आवास हो गैस वितरण है ऐसे योजना मन है अंतिम छोर के व्यक्ति तक जावत है कि नहीं जावत है? भैया अभी तक तो बैठे हो तो अभी जेब से मैं यहाँ घूमते फिरते हूँ और जो हिसाब से लोगों से बातचीत होते वो हिसाब से अभी तक के तो अंतिम छोर तक जाते हैं जी जी। जैसे कि अभी गैस कनेक्शन के जो बात रही से शासन की योजना में जी जी। तो लगभग एक बाद में 40-40 के गैस कनेक्शन ऐसे हितग्राही मतलब लाभ मिले हैं। गौठान कार्यक्रम के तहत नरवा गरवा घुरवा बारी खाद हमारे यहाँ गौठान के स्वीकृति हो है जेकर शिलान्यास विधायक महोदय के द्वारा हुई से जी। वो अभी गोवर्धन पूजा के दिन ओकर शिलान्यास करी से जो मेन जो कार्य है जी। विकास के तहत मांग के तौर पे हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते शासन ला जी जी। कि जनसंख्या जो है हमार पंचायत पेंडरवानी में 4500 के लमसम है लगभग है जनसंख्या जो है जी जी। और सामुदायिक भवन जो है वो पुराना है तो आबादी पारा में एक सामुदायिक समरसता भवन की मांग आपके मीडिया के माध्यम से हम करना चाहते हैं सर्व समाज के लिए एक समरसता भवन सामुदायिक समरसता भवन की आवश्यकता है। और कौन कौन सी जरूरी मांग है जिन मन बहुत जरूरी है पंचायत के विकास के लिए है आबादी पारा के लिए पानी की भी आवश्यकता है जनसंख्या के हिसाब से एक पानी टंकी है वो थोड़ा सा कम पड़ते तो पानी टंकी के भी आपके मीडिया के माध्यम से अपन मांग रखा था शासन से जी जी। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है वाला स्वास्थ्य केंद्र के मांग भी आपके मीडिया के माध्यम से अपन रखना चाहते हैं स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करें। हमारे यहाँ एक पाणी बाबा रोड है धरसा रोड जी जी जो एकदम जरूरी है जी जी। अब वो अपन ग्रामीण के सबसे बड़े देवता है जिला हम ग्रामवासी मानता ना आस्था जुड़े होकर गाँव की आस्था जुड़े आस पास के लोग भी मानते हैं जी जी। तो वो रोड जो है वो भी जरूरी है जी जी। यहाँ पे अपन मेन रोड जो है अपन गली से गली आथन जी जी। वो पुल जर्जर है जी जी। वो पुल भी जरूरी है। हमारे यहाँ हाई स्कूल है हायर सेकेंडरी के लिए भी अपन मांग रखा था आपके माध्यम से जी जी। हमारे यहाँ विद्यार्थी के संख्या जो है वोकर अनुरूप यहाँ हायर सेकेंडरी भी होना चाहिए और हमारे यहाँ एक तो बड़ी उपलब्धि ये है अभी जी जी। कि नेपाल पुरस्कृत हमारे लड़का मन है जी जी। 7 गाइड और 6 स्काउट जी जी।
ये 13 टोटल लड़का मन हा राज्यपाल पुरस्कार से अभी चयनित हो है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो नोनी बाबू मन बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत आगे आते जी जी। और जो हमारे गुरुजन स्टाफ है जी जी, वो कर दिशा निर्देशन में अच्छा काम हुआ थे जी जी, और बहुत बढ़िया भी विकास के गति पहुंचे हैं। अगर हमारे पढ़िया नोनी बाबू मान लो शासन की तरफ से अगर अच्छा सुविधा मिले शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल और कॉलेज के, तो हमारे लड़का मान लो अच्छा बेहद प्रयास करे से। ग्राम पंचायत पेंडरवानी के सरपंच गोवर्धन लाल मिश्रा एकर से मन अभी गोट बात करत रहे। आओ हमन चर्चा करबो यहाँ के ग्रामीण मन ले। जी हाँ, पेंडरवानी के ग्रामीण मन उपस्थित है, हमन उकर मन ले गोट बात करबो। का नाम है? मोर गिरधारी देवांगन। जी जी, सरपंच के कार्यकाल से संतुष्ट हो कि नहीं हो? नहीं, सरपंच के कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा काम करा है। कौन से कार्य करा है जो सरपंच है? गांव के जो विकास के लिए, जैसे बहुत सारा गली रही से, दो चार गली में सीसी रोड के काम करे से, और अपन मुक्तिधाम में शेड निर्माण यात्री प्रतीक्षालय जो करे से जे जे। और अपन यहाँ स्वस्थ भारत मिशन के तहत SHG सेट के निर्माण हो चुके हैं, और अभी वर्तमान में अभी शासन के महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरवा बाड़ी के तहत अभी गौठान का जो भूमि पूजन गोवर्धन पूजा के दिन हुई से, अच्छा अच्छा, एकर से हमार जो गांव है एक विकास की गति जरूर पकड़ी से। और अभी हमार सरपंच बने 2 साल पूरा भी नहीं हो, एकर पहले दूसरा सरपंच रही से, तो एकर कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं। ऐसे सरपंच के प्रयास के बाद या आपके जो ग्राम पंचायत में ऐसे कौन कौन से काम है जिन छूट गए हैं, उगर काम होना से गाँव के जो है विकास हो? हमारे गाँव के बहुत, तो गाँव में तो बहुत सारा काम अन्य आ रहे थे, लेकिन प्रमुख काम है अपन गांव के एक आस्था जुड़े एक देवता जो हम पाड़े बाबा बोलते हैं, वहाँ के लिए पहुँच मार्ग की अत्यंत आवश्यक बात है। अपने यहाँ उस स्वास्थ्य केंद्र है, उसको स्वास्थ्य केंद्र किया जाए, और हमारा जो हाई स्कूल है उसको हायर सेकेंडरी में बिल्कुल उन्नयन किया जाए, क्योंकि यहाँ शिक्षा गुणवत्ता बहुत अच्छी है उस हिसाब से, और स्कूल भी पर्याप्त है, यदि उन्नयन बिल्कुल अनिवार्य है विद्यार्थियों के लिए बहुत। सोमनाथ साहू, आप मन का कहना चाहते हो? ये हमारे गर्मी में तकलीफ बहुत पानी के, तो 1 किलोमीटर है नहर से जुड़ना चाहिए, और जो 18 किलोमीटर पुरूर है से पलारी से रोड है ना, वो जर्जर हो गए, मतलब बनवाना चाहिए। क्षेत्र वाला मन मांगी है जिला प्रशासन से, संबंधित विधायक के संसद से करसन हम जी जी, वो जर्जर है, आज आज हमला सुविधा हो कर से। मुरलीराम साहू, आप मन का कहना चाहते हो? मोर कहना अतने एक दो तीन ठो गली है, सीसी रोड बचे है जे जे। वो पूरा होना चाहिए। कौन कौन सी गली बच गए सीसी रोड के लिए? सब महीने पारा के बचे है जे जे। और दूसरा का है गले गांव सामने पुल जे जे। वो पुल है खराब हो गए है जे जे। वो नया बनना चाहिए, और एक जंजर पंचायत भवन है जे जे। वो भी नया बनना चाहिए समुदाय के लिए, 8-9 साल हो गए लड़का मन अलग हुए जे जे। अभी तक के उनका राशन कार्ड नहीं बने हैं, कई बार प्रयास करें लेकिन बन नहीं पाई जे जे। अभी भी उनका राशन कार्ड में नाम कट गए है, मिलत नहीं, अभी चावल नहीं मिलत है जे जे। तो राशन कार्ड जो है जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। कुमार साहब, यही कहना है ये जो ट्रांसफार्मर है वो तत्काल हटा जाए, सबसे ज्यादा जरूरी काम है। जटका नरवा है जे जे, अपन एरिया तक के जे जे, वो में वाटर हार्वेस्टिंग बनना चाहिए जे, जेकर से किसान मल्ला फायदा हो है। किसान मल्ला फायदा हो, पब्लिक ला पेयजल के जो उपलब्धता है वो हो जे। आप मन के का सुझाव है? ये आंगनबाड़ी ये पंचायत के साइड में है जे जे, जर्जर हो गए, बारिश में पूरा पानी टपक थे। सरपंच के कार्यकाल कैसे है? कार्यकाल से संतुष्ट होने? संतुष्ट है। कौन से काम करा है सरपंच अभी? वो अभी ऐसी काम करो इस गली मन में जे जे। तो तालाब खनवाई से मुक्ति धाम वगैरह बनवाई से, मतलब उकर काम से गांव वाला में संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट। सरपंच उकर काम से संतुष्ट होने हैं? नहीं, संतुष्ट है। सड़क पानी बिजली स्वास्थ्य और शिक्षा ये आपके पंचायत में मिलत नहीं लोगन मतलब? नहीं, बिल्कुल बराबर मिलत है। बिजली की व्यवस्था पूरा बिजली जलते थी? बिजली तो पूरा रात में हर गली में जलते, लेकिन सीसी रोड की व्यवस्था है, कुछ कुछ जगह बाकी है। और रहे सवाल ये कि नल जल के व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन जाते हैं, लेकिन ज्यादा जब गर्मी पड़ते तो 1-2 मोटर रहे जो 2 मोटर बंद हो जाते थे, वही समय थोड़ा समस्या थे। तो हम ये चाहते हैं कि एक आध पानी टंकी के निर्माण, और क्योंकि गांव की जनसंख्या लगभग 4500 से पार है जे जे। और बाकी समय अच्छा रहते व्यवस्था, लेकिन 3 महीना थोड़ा सा परेशानी होती, तो चाहते हैं कि हम एक आध पानी टंकी के निर्माण। सरपंच के जो काले कर से
संतुष्ट है, उसका कार्य बहुत अच्छा है, वो हर जगह हर काम को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य पूरा कर रहा है। इंदरवानी के ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीण मन अभी गोट बात करे हैं, यहाँ ग्रामीण मन है सरपंच की जो विगत अभी 2 साल लेकर अभी पदभार संभाली से और विगत 2 साल में इसे बहुत सारा जो काम करा है जिकल यहाँ ग्रामीण मन संतुष्ट है और ग्रामीण मन हमारे चैनल के माध्यम से गांव के चौमुखी विकास के लिए कुछ ज्वलंत जो समस्या है वो समस्या रखी से और जिला प्रशासन ला क्षेत्र के विधायक सांसद है एक पास एक संदेश दे प्रयास करी से कि जो प्रमुख मांग है वो प्रमुख मांग वाला जो है अति शीघ्र पूरा करें। ये थोड़ी सी यहाँ के ग्रामीण मन से हमारे गोट बात ऐसे हमारा वो अलग अलग पंचायत से जाके गोट बात करबो आप मन देखा रहो अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाखा में अपन न्यूज चैनल न्यूज 36 आप मोला दे विदाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पंचायत के गोट के प्रायोजक है निखिल रेस्टोरेंट और भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, मेन रोड दूर जिला बालोद और श्री गणपति वस्त्रालय मेंस एंड लेडीज कलेक्शन मेन रोड गुरुर जिला बालोद।